आजमगढ़ एमपी से और पुलिस अधीक्षक तरोनी से एक साथ आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, जनपद के स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए और विश्व के मानवता के स्वास्थ्य के लिए ये कोई थोपा हुआ आदेश नहीं है। ये बार बार माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बार बार अनुरोध कर रहे हैं, तमाम चिकित्सक विशेषज्ञ अनुरोध कर रहे हैं, उनकी राय के आधार पर आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए लागू किया गया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि सिर्फ जरूरी सेवाएं इसमें खोली गई हैं कि जीवन के जीने के लिए जो बहुत बुनियादी जरूरतें हैं उसको आप खरीद सके, उससे आपको आपूर्ति मिल सके, लेकिन आप अनावश्यक सड़कों को ना खोलें और जो आपके घर के सबसे नजदीक मेडिकल स्टोर है या साग सब्जी की दुकान या किराना स्टोर है अपना सामान वहीं घर का सिर्फ एक व्यक्ति पैदल जाकर जो बिल्कुल नियरेस्ट है, निकटस्थ है वहां से ले। गाड़ियों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, समूह में ना जाए, भीड़ ना करें, क्योंकि भीड़ से संक्रमण बढ़ता है और संक्रमण बढ़ने के बाद पूरे हम सभी के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का काम आप करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसी स्थिति मत पैदा करें कि आपकी गाड़ियों का चालान हो, आपके खिलाफ 188 आईपीसी में कार्रवाई हो। आप खुद अपनी सेहत का ध्यान रखें, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपने स्वयं जनता कर्फ्यू के तहत खुद को अपने घरों में रखा था, उसी तरह से आने वाले दिनों में भी सिर्फ जरूरी चीजों के लिए पैदल हुए अकेले सामान जरूरी लेकर अपने घरों में अपने परिवार, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों के बीच में समय बिताएं, बच्चों के साथ उनके पसंद के क्रिएटिव टैलेंट के साथ अपने को जोड़ें, परिवार में एक दूसरे के साथ संवाद और बेहतर करें, कुछ दिन अपने परिवार के अंदर गुजारें, सड़कों को न घूमें, भीड़ में न जाएं, किसी कार्यक्रम में न जाएं, ताकि संक्रमण से खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं, यही मेरा अनुरोध है। और बात न करें कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़े।